नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नेहरा खाप ट्रस्ट की ओर से रोहतक के जाट भवन में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया गया। सेमिनार के अध्यक्ष सर ट्रस्ट के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा ने की, जबकि एक्सपर्ट्स के तौर पर कर्नल ओपी नेहरा और कर्नल डीवी नेहरा मौजूद रहे। मंच संचालन मैनेजिंग ट्रस्टी अमित नेहरा ने किया। इस दौरान अपने संबोधन में जगदीश नेहरा ने कहा कि भारतीय सेना में भर्ती होना एक गर्व और देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेना में भर्ती हों। हालांकि बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेहरा ने हाल ही में भारतीय सेना की भर्ती रैली रद्द होने पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी और अलग ही तर्क प्रस्तुत किए। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। मेन मुद्दा यही था कि सेमिनार का, कि हमारे जो बच्चे हैं नौजवान, उनका आर्मी में किस तरह से जा सकते हैं। दोनों बातें अलग अलग हुई। कर्नल साहब ने तो जो कमीशन ऑफिसर हैं उनके बारे में बताया कि इस तरह से जा सकते हैं, एजुकेशन में हैं, मेडिकल कोर में हैं, जो दूसरी कोरें हैं काफ़ी अलग अलग हैं, उनमें कितनी उम्र है, क्या क्वालिफिकेशन है और कैसे तैयारी करके जाएं। और इन्होंने अनकमीशन ऑफिसर हैं जो नीचे जो भर्ती होते हैं, जो सोल्जर भर्ती होते हैं, उनमें अलग अलग कैटेगरी है। कोई इन्फेंट्री में है, कोई मेडिकल कोर में है, कोई इलेक्ट्रिसिटी में है, कोई ये घोड़े फेंकते हैं उनमें अलग अलग हैं। तो उन सारी चीज़ों का इन्होंने पूरी डिटेल से बताया। और मुद्दा यही था कि यहाँ जो हरियाणा में हैं वो काफ़ी आर्मी में गए हैं, ख़ास तौर पे ये तीन डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, रोहतक और झज्जर, इनमें सबसे ज़्यादा फिर रेवाड़ी में भी हैं। तो और जो कमीशन ऑफिसर हैं एयरफोर्स में हैं उनमें तो अपने बहुत ज़्यादा है, सारे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर हैं। इस पे जो हैं कोई आर्मी में 5.7% हैं जो हमारे कमीशनड और अनकमीशनड सारे हिंदुस्तान के यदि कैटेगरी लें, लेकिन वो पॉपुलेशन से ज़्यादा है। क्यों? हमारी पॉपुलेशन 2.09 है और आर्मी में हमारा योगदान 5.7 है, तो उसको और भी ज़्यादा करें, बच्चे आएँ। और आजकल बेरोज़गारी भी है और आर्मी में अच्छे बच्चे चाहिए भी, क्योंकि आर्मी तो आपको पता है चारों तरफ पाकिस्तान है, चीन है, उनके साथ मुकाबला करने के लिए आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा हों। अब तो आर्मी में 4.5 लाख एक्टिव हैं और 11.5 लाख जो रिज़र्व है उसमें हैं। इसी तरह इन्होंने नहीं बताया, मैं भी आपके मार्फत कहना चाहता हूँ, सेंट्रल फोर्स हैं, आर्मड फोर्स हैं, जैसे CRPF है, जैसे BSF है, जैसे इनके नाम ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है, आसाम राइफल्स है, ये जो नेवी के हैं, कोस्ट गार्ड हैं, तो इन सब में भी बच्चे जाएं तो काफ़ी एवेन्यू, लोकल पुलिस है, कितना कम से कम 30-40 लाख तो ये हैं और 50-60 लाख ये हैं, कम से कम 1 करोड़ के करीब हैं। उसमें बच्चे तो मेहनत करेंगे, एक तो फिज़िकल, और फिज़िकल हरियाणा स्ट्रेंथ अच्छी है, क्यों? खान पान अच्छा है, दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा आप लोगों को पता ही है, तो वो ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। इसका असर आपने कोरोना में भी देखा कि हमारी एंटीबॉडी जो बनी हुई है उससे हमारे ठीक रहे, बीमार कम हुए, तो वो आर्मी फोर्स में जाएंगे तो मुकाबला करेंगे। अब चीन के साथ अपना मुकाबला डॉलम में, तो वहाँ क्या एक एक आदमी ने 20-20 जवान ने मारे उनके, वो इतने कितने हैं और उनमें शक्ति भी नहीं है,
चीन वाले, पाकिस्तान को तो आपने देख ही लिया कि 1947 में है, 65 में है, 1971 में है, 1999 में है, तो हमने उनको हराया। तो पाकिस्तान वाले तो वैसे ही डरते हैं, वो इसी डर की वजह से वो भेजते हैं जो उग्रवादी हैं, बम गेर दो, मैसे मार दो। तो इस तरह के उन सारी चीज़ों के लिए जो बच्चे हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।